सदुपयोग। महात्मा बुद्ध अपने कक्ष में बैठे थे। एक शिष्य उनके पास आया। उसने आकर महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और एक ओर खड़ा हो गया। बताओ वत्स, क्या कहना चाहते हो? महात्मा बुद्ध ने पूछा। शिष्य ने कहा, जी मुझे नया वस्त्र चाहिए, मेरा वस्त्र पुराना हो चुका है और फट चुका है। महात्मा बुद्ध ने देखा कि सचमुच ही उसका वस्त्र जगह जगह से फटा था। उन्होंने शिष्य से पूछा, नया वस्त्र लेने के बाद इस पुराने वस्त्र का क्या करोगे? मैं इसका बिस्तर बना लूंगा। शिष्य ने जवाब दिया, तुम्हारे पास जो बिस्तर है उसका क्या करोगे? महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, उससे खिड़कियों के लिए पर्दे बना लूंगा। शिष्य ने बताया, और जो पर्दे तुम्हारे पास हैं उनका क्या करोगे? महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, उन्हें रसोई घर में बर्तन पकड़ने के काम में लाऊंगा। रसोई घर में जिन कपड़ों का इस्तेमाल अभी कर रहे हो उनका क्या करोगे? महात्मा बुद्ध ने पुनः प्रश्न पूछा, उनसे दीपों की बाती बनाऊंगा, उन्हें जलाकर अपने कक्ष में रोशनी फैलाऊंगा। शिष्य ने उत्तर दिया, वत्स तुम अपने कक्ष में ही नहीं पूरे संसार में रोशनी फैलाओगे, यह मेरा आशीर्वाद है। जाओ भंडार गृह से अपने लिए नया वस्त्र ले लो। महात्मा बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा। शिष्य ने महात्मा बुद्ध के आगे शीश नवाया और कक्ष से बाहर निकला। फिर वह भंडार गृह की ओर प्रस्थान कर गया।